नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स अड्डा पे मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, रवीश कुमार की जगह किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके चार ऑप्शन है। नंबर एक है संजय वर्मा, दो ऑप्शन है सुमित विजय, नंबर तीन ऑप्शन है अनुराग श्रीवास्तव और नंबर चार है विजय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रवीश कुमार 1999 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके चार ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, नीति आयोग और केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रवक्ता ने बताया कि 8 अप्रैल तक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की किट आ जाएगी और इस किट के जरिए 5 मिनट के अंदर कोरोना पॉजिटिव की जांच हो जाएगी कि कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए IOC ने फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी। इसके ऑप्शन है 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। दोस्तों, IOC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IOC की स्थापना 1894 में हुई थी। इसकी उम्र पहले 23 वर्ष थी दोस्तों, पर एक वर्ष बढ़ा दी गई है, अब इसकी उम्र 24 वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, 24। आज का चौथा क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और किसने संयुक्त रूप से COVID-19 से निपटने के लिए रसायन मुक्त चांदी आधारित कीटाणुनाशक विकसित किया है। इसके चार ऑप्शन है, नंबर एक है रेल मंत्रालय, नंबर दो है जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नंबर तीन है नीति आयोग और नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन है, सिविल सेवा के अधिकारियों ने COVID-19 से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। इसके चार ऑप्शन है, नंबर एक सुरना, नंबर दो है कृष्णन, नंबर तीन है करुणा और नंबर चार है मुरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करुणा। सिविल सेवा के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हैं, IPS हों, IRS हैं या अन्य सिविल सेवा के अधिकारी, उन्होंने COVID-19 से लड़ने के लिए एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है करुणा। करुणा का अर्थ है राष्ट्रीय आपदा के प्रति सिविल सेवा संघ समर्थन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का छठा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक को PM केयर्स फंड दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया गया है। इसके चार ऑप्शन है, IUB, PNB, BOI और HDFC। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा IUB, इंडियन ओवरसीज बैंक को PM केयर्स फंड दान में की गई जमा राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है। आज का सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के जांच के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है MP, नंबर दो है UP, नंबर तीन महाराष्ट्र और नंबर चार राजस्थान। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की जांच के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है। दोस्तों, इसके जरिए आप घर बैठे कोरोना का चेकअप करा सकते हैं। आज का आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्यान्न आपूर्ति की है। इसके चार ऑप्शन है, नंबर एक है मालदीव, नंबर दो है नेपाल, नंबर तीन है श्रीलंका और नंबर चार है पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मालदीव। अभी हाल ही में मालदीव को भारत ने 6.2 टन दवाइयां की आपूर्ति की है। आपूर्ति के लिए इंडियन एयरफोर्स का हरकुलस विमान से दवाइयां भेजी गई हैं। तो बात आती है मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ये मालदीव किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। करेंसी क्या है, मालदीव रुफिया है। इसकी करेंसी मालदीव की करेंसी है रुफिया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सैनिटाइज के लिए भी सेफ टनल स्थापित किया है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर दो है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर तीन है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर चार है केरला। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भी सेफ टनल स्थापित किया है सैनिटाइज के लिए। दोस्तों बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है बेटा? दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिसलाई सौंदरा राजन। लोकसभा की 17 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें आती हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले बिल विदर का निधन हुआ, वो किस देश से हैं? इसका आप सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश के हैं बिल विदर रहने वाले हैं। इन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता था और ये संगीत के क्षेत्र से आते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन में 30% कटौती के लिए किस कानून में बदलाव का अध्यादेश कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2020 को पास किया? इसके चार ऑप्शन है, संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954, सांसद वेतन अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर तीन है संसद वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी राज्यपाल और मंत्री 1 साल तक अपने वेतन में से 30% कटौती करेंगे, मतलब उन्हें 70% ही वेतन मिलेगा। आज का जो 12वां क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कब हुई? इसके चार ऑप्शन है 5 अप्रैल 2020, ऑप्शन नंबर दो है 6 अप्रैल 2020, ऑप्शन नंबर तीन है 4 अप्रैल 2020 और ऑप्शन नंबर चार है 2 अप्रैल 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 2020। अभी हाल ही में 6 अप्रैल 2020 को भारतीय कैबिनेट की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। आज का 13वां क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम से किस दवा का निर्यात पर लगी रोक को हटाने की अपील की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 14वां क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल से किसे सम्मानित किया? पेटा जिसका फुल फॉर्म होता है फेफल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसने हाल ही में किसे हीरो टू एनिमल से सम्मानित किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हीरो टू एनिमल से सम्मानित किया है। बात आती है उड़ीसा की, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। वहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा की 23 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें आती हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 यानी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? इसके चार ऑप्शन है, नंबर एक है रोम, नंबर दो है न्यूयॉर्क, नंबर तीन है पेरिस और नंबर चार है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर दो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में के एक चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों ये रहे आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अड्डा कि ये क्वेश्चन आज के वीडियो के आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इस समय आपको पता होगा पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपने घर पर ही रहा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए। दोस्तों अगर आप सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो ज़रूर हम कोरोना से जंग जीतेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।